वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF मिशन की मुलाकात। IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की वज़ीर ख़जाना को तकर्री पर मुबारकबाद। मिशन के साथ मजमूई मुआशी इंडिकेटर्स मालियाती इस्तेहकाम पर हुकूमती कोशिशों पर बातचीत की गई। इदारा जाती इस्लाहात तवानाई के शोबे और हुकूमती इदारों की गवर्नेंस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना का IMF मिशन की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम और IMF की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना का इक्तसादी तरक्की और इस्तेहकाम के इस्लाहाती एजेंडे पर काम करने के अज़्म का इजहार। दूसरे जायजे के दौरान नतीजा खेज मुलाकातों की उम्मीद जाहिर की। टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF के साथ टैक्स से मुतालिक मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF का तामीराती शोबे के लिए खसूसी टैक्स निज़ाम जल्द अज जल्द ख़त्म करने का मुतालबा। सनतों के लिए टैक्स मुराद से मुतालिक FBR और काबीना के स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख करने का मुतालबा। मुस्तकबिल में दी जाने वाली टैक्स मुराद लागत और फवायद की तशखीस से मशरूत करने की सिफारिश। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट ख़त्म करने के लिए टैक्स नेट में लाने की हिदायत। खैराती इदारों को दी जाने वाली मौजूदा टैक्स मुराद का दोबारा जायजा लेने की हिदायत। IMF का नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में तौसी करने का भी मुतालबा। नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में टैक्स रेट्स में हमांगी शामिल करने का मुतालबा। ज़रई आमदन और प्रॉपर्टी टैक्स की बुनियाद पर तौसी को भी TORs में शामिल करने की सिफारिश। विफाक से टैक्स वसूली और सूबाई टैक्स कवानीन के निफाज के लिए सूबों से तआवुन बढ़ाने का मुतालबा। IMF की वजारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की तरक्की के लिए 5 साला मुआशी रोड मैप पर जायजा इजलास। इजलास में मुल्की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुरबत की तख़फ़ीफ़ और रोज़गार की फरामी रोड मैप का हिस्सा। मनसूबों के हवाले से अमल दरामद का शेड्यूल बनाकर पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, कहा मईशत के मुख्तलिफ शोबों के तमाम स्टेक होल्डर से इस प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आइंदा 5 बरस में मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देकर उसे तरक्की की राह पर गामजन करना है। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात बढ़ाएंगे। ज़रई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों को तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। इस वक्त सब्सिडी देना और बिलखसूस इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देना, आज मेरी मुलाकात हुई है, इब्तदाई मुलाकात हुई है IMF से, लेकिन अभी तफसीली बात तो टीम्स करेंगी, उसके बाद इस पर कुछ तबसरा करना मुनासिब होगा। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल है उसमें हमारे मुल्क की इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको सब्सिडाइज़ करना ख़जाने में से, वो गालिबन IMF इस वक्त शायद उस पर हमें टफ़ टाइम। इस वक्त हमारे पास बिजली के हवाले से बिजली का फुकदान नहीं है, हमें ट्रांसमिशन लाइन को अपनी स्ट्रेंथन करना है, मगर उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनके अंदर जो लॉसेज होते हैं उनको हमने घटाना। IMF वफ़ से इब्तदाई मुलाकात हुई, बज़ाहिर लगता है इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देने के मामले पर IMF टफ टाइम देगा। हमारी कोशिश है आवाम पर इजाफी बोझ न डाला जाए। बिजली चोरी से हर साल 1000 अरब का नुकसान होता है, हमने बिजली की चोरी रोकना है। तकसीम कार कंपनियों की चोरी को ख़त्म करना है, बिजली की पैदावार कीमत को नीचे लाया जाएगा। कुछ लोगों की चोरी का बोझ सारा पाकिस्तान उठाता है। वज़ीर आज़म की हिदायत है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। वफाकी वज़ीर तवानाई और पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। चीन ने कर्ज की वापसी के लिए कभी पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला। कर्ज की शरह पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीरिंग का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान को अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा।
चीन गैर मुल्की मसनूआत के लिए अपनी मंडी को खोल रहा है। पाक चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 के तहत पंजाब के बड़े पैमाने पर जरी सनती और तैयार अशिया चीन में बरामद की जा सकती हैं। अमरीका ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जाम को मुस्रद कर दिया। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्जाम लगाए गए जिसकी बार बार तरदीद की। हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी इल्जाम को संजीदगी से लेते हैं। डोनाल्ड लू पर लगने वाले झूठे इल्जाम पर महकमे के अफसरान गवाही देते रहते हैं। हमारी गवाही से ही कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। मैथ्यू मिलर ने भारत के शोहरत तरमीमी एक्ट पर तशवीश का इजहार भी किया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात तक मुतलका अज़ला में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। ज़िमनी इंतखाबात तक कोई सरकारी अहदेदार या मुंतखब नुमाइंदा तरक्याती मंसूबों का ऐलान नहीं करेगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग और तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी 21 अप्रैल तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FIA ने रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को तलब कर लिया। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने तलबी का समन जारी कर दिया। बैरिस्टर अकील मलिक की शिकायत पर शेर अफजल मरवत को 18 मार्च को तलब किया गया। FIA ने रुकन कौमी असम्बली को मुतनाज़ा ट्वीट करने पर तलब किया। रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पर जल्द लार्जर बेंच बना के इसे जल्द से जल्द फैसला किया जाए। कायन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज़्यादा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीती हुई सीट से ज़्यादा है। पिशावर हाईकोर्ट ने सुनियत हाथ काउंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्तें खारिज कर दीं। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी मखसूस नशस्तों पर लार्जर बेंच बनाया जाए। मखसूस नशस्तों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को दोबारा गिनती के जरिए हराने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब बोले कि मखसूस नशस्तों के मामले पर हर फोरम पर जाएंगे। मखसूस नशस्तें हमारा हक है, हमें मिलनी चाहिए। 20 हलकों में दोबारा गिनती करवा के हमें हराने का प्लान है। IMF के साथ मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा में DPOs ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने जुल्म जबर किया उनका एहतसाब जरूर होगा। किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। जहां मुकदमात वापस लेना होंगे वापस लेंगे। सेनेट की 6 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, 4 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब। यूसुफ रजा गिलानी ने 204 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट हासिल कर सके। सिंध में सेनेट की 2 जनरल नशस्तों पर PP के उम्मीदवार असलम आबड़ू सैफुल्ला दारीजो भारी अक्सरियत से कामयाब। असलम आबड़ू ने 57 जबकि सैफुल्ला ने 58 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शाजिया सहेल और नज़ीरुल्ला को 4-4 वोट मिले। 124 सरकार ने वोट कास्ट किया, 1 वोट मुस्तरद हुआ। बलूचिस्तान की 3 नशस्तों पर भी वोटिंग हुई। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नून लीग के दोस्तीन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर कामयाब। PP के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने 23 वोट हासिल किए। नून लीग के दोस्तीन डोमकी ने 17, JUI के अब्दुल शकूर ने 16 वोट हासिल किए। कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में वोटिंग हुई। बानी PTI से जेल मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाप्त। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से मैकेनिज्म तय कर लिया। आज 4 लोग मुलाकात करेंगे, मंगल को दोबारा मुलाकात के लिए जाएंगे।
वकील शेर अफजल मरवत, अदालत वकला को बानी पीटीआई से मुलाकात में सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाज़त दे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की सदा, 20 वकील आ जाते हैं और कहते हैं अंदर जाना है, जेल सुपरिटेंडेंट, हम आपको ये नहीं कह रहे कि सब लोगों को जेल में भेजें, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दें, जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स, आप इतनी गहराई में ना जाएं, आज 4 वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं, अदालत की जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत। मजदूरों को अपनी छत फराहम करना मेरा अज़्म है, सुबह भर में मरहलावार लेबर कॉलोनियाँ बनाएंगे वज़ीर आला पंजाब की, सुबह भर के मजदूरों और वर्कर्स का जामिया डाटा मुरतब करने की हिदायत, पंजाब में स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील 9 का फैसला, वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी, सुबह भर के स्कूलों को बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। गुजरांवाला में कौमी असम्बली के हलका एन 81 के वोटों की दोबारा गिनती, मुस्लिम नून के अजहर कयूम नाहरा कामयाब करार, रिकाउंटिंग में अजहर कयूम नाहरा 3,197 वोट हासिल करके कामयाब रहे, अजहर कयूम नाहरा ने 1,10,057 वोट हासिल किए, पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बिलाल एजाज 1,06,860 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, नतज को नून लीग के उम्मीदवार अजहर कयूम नाहरा ने चैलेंज किया था, इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था।